देश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर एनएफ रेलवे कटिहार के डीआरएम रविंद्र कुमार वर्मा ने मीडिया कर्मियों के साथ किए गए संवाद के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव के लिए मंडल की तैयारियों के बारे में चर्चा की। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआरएम ने कहा कि कटिहार रेल प्रशासन सजग है, लोगों को कोरोना के दूसरे लहर को लेकर जागरूक करना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया से जुड़ा एक मामला संज्ञान में आया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही देखा गया कि कई तरह के पैनिक फैलाने वाले अफवाह सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में स्टेशनों पर भीड़ दिखाया जा रहा है, पुराने वीडियो को रिक्रिएट किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं है, जबकि लोगों को ऐसी ही अफवाहों से सचेत रहने की जरूरत है। वहीं डीआरएम ने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से सरकार अपनी ओर से जनता को जो बता रही है उसे ही फॉलो करने की जरूरत है। साथ ही मास्क और दो गज की दूरी पर डीआरएम ने कहा, कटिहार रेल मंडल में सभी रेल कर्मियों को हर हाल में फेस मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि कोरोना का सेकेंड वेव शुरू हो गई है, जो कि काफ़ी तेजी से कोरोना का विस्तार हो रहा है अलग अलग इलाकों। लास्ट ईयर हम लोगों ने सरकार के साथ मिलकर कोरोना के साथ जो कोरोना को हैंडल किया, सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उससे कोरोना के कंट्रोल में बहुत मदद मिली। लेकिन जैसा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सेकेंड वेव आएगी, वो आ गई है और काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इसीलिए हम सबको इसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं उनको फॉलो करना है। इधर वैक्सीनेशन को लेकर डीआरएम ने मीडिया कर्मियों से अनुरोध करते हुए बताया कि कटिहार रेल अनुमंडल प्रशासन में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। ऐसे में इस जानकारी को लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोग इसका लाभ ले सके। टाइम्स न्यूज़ डेस्क कटिहार।